तो गाइस लव का जो है ड्रोन ना क्रैश हो गया है यहाँ थोड़ा जंगलों में, मतलब बहुत ज़्यादा घने जंगल है। अब वो नीचे गया है हाँ जंगल में उसको ड्रोन को ढूंढने के लिए, क्योंकि ड्रोन की GPS ID मिल गई थी, मतलब लोकेशन पता चल गई थी। अब वो जंगल में है, मैं दिखाती हूँ अभी। तो इस जंगल में गया है वो ढूंढने के लिए कैमरे को। गाइस देखो ये हमारी हेल्प करते हुए भैया, और वो नीचे इतना घना जंगल है ना कि वो दोनों दिख भी नहीं रहे, बट ढूंढ रहे थे नहीं मिला भाई। भाई थक गए, कितने का नुकसान हुआ? बहुत ढूंढ लिया, 50,000 का। बाकी तो ये बाइक चल चुकी है 645 किलोमीटर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक और वीडियो में गाइस आपका स्वागत है। तो आज है Day 5 हमारा इस ट्रिप का, तो यह आज का लास्ट डे होने वाला है। तो अभी हम क्या है कि सोनप्रयाग से थोड़ी सी आगे को एक होटल लिया, सस्ता था, वहाँ पर हम स्टे ले लिया बिकॉज बहुत ज़्यादा थक चुके थे ट्रैक करने के बाद। तो अब सीधा घर के लिए निकलेंगे, लेकिन रूट हमारा चेंज होगा, काफी ऑसम रूट होने वाला है, आपको भी दिखाएंगे, जो कि श्रीनगर से टर होता है। और सामने देख सकते हो यहाँ का नजारा। क्या देगी, क्या देगी? पैसे, पैसे देगी पूरी ट्रिप में, अब दे रही है पैसे पूरी ट्रिप में। हाँ कौन कह रहा था कि ये केदारनाथ चढ़ नहीं पाएगी और उतर नहीं पाएगी? सारे ही बोल रहे थे, सारे बोल रहे थे। क्यों इसलिए बोल रहे थे? पहली बार तो मैं देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से बोल रहे थे, बाकी और कोई मोटिव नहीं था। सब बोल रहे थे इसको घोड़े से भेजना पड़ेगा, घोड़े से मैं मर जाती, डर 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 के मर जाती। भाई घोड़े से खच्चर को कैसे भेजते, ये बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। कुछ भी। तो गाइस अपन रुके थे शांति कुंज होटल रेस्टोरेंट में, ये सोनप्रयाग से कुछ 15 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये नीचे करियो मेरी पजामी। और बस सही है बजट में। अभी इस टाइम आ रहे हो तो अगर केदारनाथ तो यहीं पे रुककर अगले दिन आप सामान वामान छोड़कर वहाँ आगे जा, नहीं तो आगे होटल बहुत ही ज्यादा महंगे चल रहे हैं। और अगर सीजन का टाइम हो तो ऐसे ही आप कर सकते हो, बाकी तो जब सीजन ऑफ रहा, अब तो ऑलमोस्ट यानी ऑल सीजन भीड़ ही रहती है केदारनाथ साइड में। तो चलते हैं अब यहाँ से, सामान वामान सेट हो गया। रूम चेक कर लिया था? हाँ, इन्होंने कहा था सन्नी भैया ने। सन्नी ओए रूम चेक कर लिया था अच्छे से? रूम चेक कर लिया, बोला था इसको आदत नहीं है। किसको क्या आदत नहीं है? अरे ये इस चीज की, अच्छा उसको दिया था ना। चलो भैया जी, हवा लग रही है अब। ये नीचे नहीं करूंगी, मेरे को कान में दर्द होएगा। खड़ा खड़ा हाँ, अब नहीं आ रही। तो भाई वादियों को बाय बाय करते हुए हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ को, और दिल्ली दिल्ली की तरफ को। और जाते टाइम पे हम रूट चेंज करेंगे जो कि लैंसडाउन की तरफ को निकलेगा, और काफी शांत रास्ता है, भीड़ भाड़ नहीं गिरेगी, बोतल नहीं गिरेगी। दीपांशु के पीछे बोतल लगा रखी है, मेरे हिसाब से तो नहीं गिरेगी, गिर गई तो क्या होगा, गिरने दे। जो वार्म अप कर रहा है ऐसे ऐसे। अच्छा ओ वाओ, फिर मिलेंगे पहाड़ों में कुछ 2-3 महीने बाद, लेकिन शायद नेक्स्ट टाइम मैं अकेला आऊँगा। तू नहीं आएगी, तेरी मम्मी नहीं जाने देगी। जी है वही, आगे एक मंदिर आता है, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ पर हमें रुकना जरूरी है। तो केदारनाथ और यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ के दर्शन करना जरूरी है, नहीं तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो हम वहाँ पे रुकेंगे, फिर श्रीनगर से कोई एक टर्न ले लेंगे जो लैंसडाउन की तरफ निकलेगा। और वो ना ऐसे करता है, टॉन 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 टॉन, मर गए मर गए मर गए मर गए, नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। फिर पूरी दुनिया में जितने रोबोट फैले हुए ना, सब नाचने लगते हैं इस गाने पे, टॉन 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 टॉन, मर गए मर गए मर गए, नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। एक एक रोबोट ना हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, वो उड़ाते उड़ाते क्रैश करते करते करते। अच्छा लगता है लास्ट का। तो ये ऐसी कान पकाती रहती है पूरे रास्ते भर में। अरे कैमरा चलाया तूने? यस, ऐसी बातें बातें करती रहती, गाने सुनाती रहती है, मेरा टाइम पास होता रहता है। अपने सुना रही थी उन्हें, लोगों को बता दिया। क्यों ना बताए, अपन दोनों ने इंटरकॉम लगाए हैं, महंगे वाले महंगे वाले। हाँ। वो भी किसी से उधार मांग के खरीद लेंगे तो क्या होगी, खरीद लेंगे। हाँ ओके हाँ, रात में एक घंटे में पहुँचेगा पर्वत की तपास देखने लग गया ना, पर्वत बर्फ से ढका हुआ पर्वत, वो रहा पर ओ वाओ, सुंदर लग रहा है ना बालों के अंदर, बादलों के अंदर। अब भाई सुंदर सी साफ सी रोड आ चुकी,
नहीं ऋषिकेश नहीं आए अभी। मैंने पहले भी तो वो सुंदर बोला था, फिर पूरा पूरा सा रास्ता आ गया था। हाँ मैंने बोला था ज्यादा तारीफ करता, दोबारा आ गया ले, दोबारा आ गया साफ रोड। वो तो नेचुरल चीज है। अरे भाई क्या ब्रेकिंग हो रही है भाई, ब्रेम्बो ब्रेम्बो के ब्रेक्स डलवाए हैं भाई। पांचों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं पहाड़ों में थोड़ी, अगर ये अपनी पे आ जाए तो बहुत तगड़ा भगाता है। मैं इसका फॉलो करता रहता हूँ बस, इसको उसके यानी इसके पीछे लगा रहता हूँ। ये देखिए खुद आता हुआ ले जाता है ऑफ रोड, तो कोई टेंशन नहीं है। लगता भी ना हुआ वैसे। टायर उसके लगे हैं, टायर भी लगे हैं सस्पेंशन। हाँ गीली रोड, गीली रोड, बच के चलो बच के चलो। वैसे ये बारी देवी टेम्पल केदारनाथ या चारधाम यात्रा करके आप अगर आते हो तो यहाँ पर दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो हम भी रुक गए हैं तो होकर आ जाते हैं। ठीक है देख धूल मिट्टी में हो रही है इसलिए वाइजर पहना कर लगाया कर। हाँ ठीक है, बाइक हमने साइड में लगाई दी है, प्रसाद हमने ले लिया है धारी देवी टेम्पल के। तो अब नीचे चलते हैं, जूते हमने उतार दिए, सामान हमने यहीं पर रख दिया सारा का सारा बाइक का है। कर ले यहाँ पे मुँह धो ले, मुँह बहुत गंदा हो रहा है। बाकी सामान वगैरह हमने यहाँ पे रख दिया दुकान वगैरह, चलते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे और वहाँ से दिखाएंगे आपको पूरा टेंपल। यहाँ पर अपन आ गए हैं धारी देवी टेंपल में, तो इसकी स्टोरी गूगल पे काफ़ी सी आप पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या था कि ये चारों धामों की ना रक्षा करती है, और क्या सीन है कि यहाँ पर जो मूर्ति है उसको मूव करने की कोशिश करी गई थी, जिसकी वजह से वो आपदा आई थी 2013 की केदारनाथ में, और ये पूरा मंदिर पूरा डूब चुका था। तो ये स्टोरी थी, चलो ये दर्शन करते हैं और सीधा पर। ओए बस फाइनली अपने दर्शन कंप्लीट हो गए अच्छे से, प्रसाद भी हमने मिल गए और सही है बहुत बढ़िया लगा, सुकून मिला और हमारी जो यात्रा थी वो सफल रही। क्यों सफल रही भाई? बिल्कुल अच्छे दर्शन हो गए, अच्छे दर्शन हो गए। तो अब सीधा घर से घर निकलते हैं बाइक उठाकर। तो जी दर्शन वगैरह हो गया तो बाइक वाइक लेकर निकलते हैं भाई यहाँ पर। और गाइज ये मंदिर का निर्माण ना दोबारा से हुआ है, जो पुराने वाला मंदिर था वो टूट चुका था बिल्कुल ही, मंदिर दोबारा बना अच्छे से, पानी वानी हमने पी लिया अच्छे से। चल चलते हैं, हटा इसको जैकेट को, यहाँ का पानी ना हमसे झिल नहीं रहा है तो हमें बोतल खरीदनी पड़ रही है भाई। अब लग रही है हवा भाई, पसीने में एकदम भीग गए थे, पसीना पसीना हो गए थे, हवा तेज लग रही है। नहीं आई गया, जूते थे, टैंक बैग था, तो कुछ था ही नहीं, फोन वन मेरे पास आई। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में आता है ये मंदिर, जैकेट ढंग से पकड़ उड़ रही है, धूप बहुत तीखी हो गई है, हमने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया सब ने ताकि फेस वगैरह हमारा जले ना। हाँ जी ट्रैफिक ओके। तो गाइस ये रूट है जो बहुत यानी एक तरह से तुमकेश को जाता है, और ये हमने टर्न ले लिया है, ये डाइवर्जन ले लिया है जो कि जाएगा लैंसडाउन के। ये रूट काफ़ी खाली मिलता है, वो भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिजी रूट है, जाम में फंस। चलो निकल गए वो तो आगे, तो ये जाता भाई पौड़ी और कोटद्वार, 135 किलोमीटर है कोटद्वार, और वहाँ से अगर आप जाओगे तो ऋषिकेश पहुँचोगे, यहाँ से सीधा कोटद्वार पहुँच जाओगे। इतना खाली रूट बताया जा रहा है दीपांशु की तरफ से, बाकी देखते हैं कैसा रहता है।
शोध हो गई है, ड्रोन गिरा पड़ा है कहीं जंगल वंगल में, अब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। लोकेशन तो मिल गई है, ये रोड है और यहाँ पर ड्रोन है, तो जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। ते हैं कोशिश कर लेते भाई, मिलता है तो, नहीं तो भाई नुकसान हो गया फुजिल का। मैंने ही रोका बल्कि तुम्हें, एक्सटेंशन लाइन के आसपास भाई ड्रोन बिल्कुल भी मत उड़ाओ, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हाइट इतनी ज़्यादा हो गई उसकी। चल ढूंढते हैं गाइस, लपका ना कैमरा खो गया है और वो ना यहीं उत्तराखंड के जंगलों में गिर गया। हम लोग ट्रैक करके वापस आए थे और लपका कैमरा खो गया और यहीं उत्तराखंड के जंगलों में गिर गया है। तो गाइस लपका जो है ड्रोन ना क्रैश हो गया है यहाँ थोड़ा जंगलों में, मतलब बहुत ज़्यादा घने जंगल है, अब वो नीचे गया है हाँ जंगल में उसको ड्रोन को ढूंढने के लिए, क्योंकि ड्रोन की GPS ID मिल गई थी, मतलब लोकेशन पता चल गई थी, अब वो जंगल में है। मैं दिखाती हूँ अभी, तो इस जंगल में गया है वो ढूंढने के लिए कैमरे को नहीं ड्रोन को ढूंढने के लिए गए हैं इस वाले जंगल में। दिख नहीं रहे कहाँ चले गए लोग, आ रहे हैं आ रहे हैं, पेड़ वगैरह इतने बड़े बड़े हैं ना, इतना मस्त व्यू है। इस व्यू को कैप्चर करने के लिए ड्रोन उड़ाया था और इस व्यू ने ड्रोन को कैप्चर कर लिया। कहाँ दिखा रहा है काई से, देखो ये हमारी हेल्प करते हुए भैया, और वो नीचे इतना घना जंगल है ना कि वो दोनों दिख भी नहीं रहे, बट हमको दिख रहा है, बट कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेंगे उस तरफ है, बिल्कुल डीप में पेड़ भी हिल रहा है उनका। हाँ ये बिल्कुल गहरी, एकदम गहरी वाली खाई है। कब दिखेंगे ये लोग, मेरा कैमरा उतावला हो रहा है ना कैप्चर करने का। नहीं मिला भाई, भाई थक गए, कितने का नुकसान हो गया, ढूंढ लिया 50,000 का भाई, 50,000 का नुकसान हो गया, ड्रोन ढूंढने आए थे मिला ही नहीं भाई, पूरा जंगल छान मारा है, जितना GPS से दिखाया था हमने को, GPS से अपने को नहीं मिला, हालत ख़राब हो गई, जंगलों में मैन वर्सेस वाइल्ड बन गए भाई, ये पूरा जंगल यहीं कहीं आसपास गिरा है, लेकिन GPS लो है, प्रॉपर लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन दिखा नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं अब। चलो चलते हैं, शाम के 4 बज गए, होता है भाई राइड पे सीन होते हैं, सबके साथ होते हैं भाई, वापस जा रहे हैं। क्या यार तीन हो गया, मंदिर के रास्ते से भी गए थे हम, बट यहाँ पर रास्ता आगे से बंद है, वो बहुत दूर है, और जंगल इतना ज़्यादा है ना कि भाई हिम्मत नहीं हो रही भाई जाने की, कहीं नुकसान नुकसान शरीर को हो गया ना तो दिक्कत हो जाएगी। चलते हैं भाई, जान क्या ही है, गए हैं जगह अभी तो नहीं, जाने दो, लेकिन यार लेकिन भाई बहुत ट्राई किया, देखो बहुत ट्राई किया, हिम्मत भाई, हिम्मत भाई, बिल्कुल सन्नी भाई ने बहुत साथ दिया है, तो भाई इसको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, भले ही ड्रोन मिले या नहीं मिले, लेकिन यार वो तो हमारी भी प्रॉपर्टी थी एक तरह से, तो बंदे ने साथ दिया, काम तो हमारे भी आता, कई वीडियो कोई नहीं चलते हैं, पर मेहनत करी हमने भाई, पूरा ढूंढा यार, अरे पूरा ढूंढा है भाई, उस एरिया में नहीं मिल रहा, दिखी भी नहीं रहा, चलो फिर चलो। भाई साहब लोकेशन देखो, और रुके हम नेगी, नेगी पॉइंट, अगर नुकसान ना हुआ होता ना हमारा तो ये नजारा और खूबसूरत लगता। चलो गाइस हम लोग आए थे केदारनाथ मंदिर, और वहाँ से आते वक्त ना हमें पता नहीं क्या हुआ, हमने ड्रोन उड़ाया अपना और ड्रोन क्रैश हो गया और वो मिला नहीं, पूरी यानी रात हो गई भाई जंगल में ढूंढते ढूंढते, पूरे निकले हैं हम लोग, मतलब मिला ही नहीं, तो फिर निकल आए, मुंह में मत घुसो, कम से कम 6 घंटे हो गया मैं ढूंढते हुए, लेकिन ड्रोन कहीं नहीं मिला भाई, हालत देख रहे हो मेरी कैसी हो चुकी है, ढूंढते ढूंढते जंगल में यही ढूंढने के लिए गया था और मिला नहीं, मैं गया था और सन्नी गया था, नहीं मिला भाई, पूरा मतलब जब बिल्कुल कोशिश मतलब दम तोड़ दिया ना, अभी आ गए वापस कि अब नहीं मिल रहा, जान को मतलब पूरी खाई थी, जान को भी रिस्क में डाला उसमें, फिर भी वो नहीं मिला, बट ठीक है अब बुरा लग रहा है, उसकी किश्तें भी अभी तक नहीं भरी थी हम लोगों ने, तो मिलकर ही खरीदा हाँ, था मतलब वही, बट अब भी मतलब कितनी गई होंगी उसकी किश्तें, कुछ 10-12 हज़ार के आसपास ही, एक दो ही गई थी उसकी, तो आप लोगों से गुजारिश, अच्छा भी तो नहीं लग रहा है लेकिन बोलते हैं, लेकिन आप लोग एक फैमिली हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अगर हो सके आप जो भी हेल्प हमारी कर सकते हो ना इस मामले में तो कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस पे पेटीएम फोन पे कुछ भी कर सकते हो अपने अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप, नुकसान तो हो गया भाई राइड पे और हर राइड पे कुछ ना कुछ हो ही रहा है यार, क्या हुआ ना कोशिश तो बहुत करी, देखो भाई पूरे जंगल में बड़े यार अब क्या कर सकते हैं, मतलब नुकसान हो गया बहुत तगड़ा वाला, और हम लोग मतलब देखो
सारे ना मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कोई ऐसा नहीं है अच्छी अच्छी जॉब से कर रहा हूँ, मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए की, तो हम बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके करते हैं, मतलब खरीदते हैं एक चीज़ भी पैसे इकट्ठे करके, वो भी हम मतलब ये नहीं है कि हर एक हफ्ते ही हर राइट, वो ये कोशिश रहती है कि यार हम अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढे लाएँ और अच्छी अच्छी नई नई जगह जाएँ आप लोगों को दिखाने के लिए। बट क्या करें, नुकसान हो गया तो यार कुछ अब देखते हैं यार, EMIs वगैरह पे लिया था वो भी पे करनी पड़ेंगी और हम फंस चुके हैं मतलब बुरी तरीके से। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, आपको तो ड्रोन खरीद भी नहीं पाएंगे, आपको शॉर्ट्स वगैरह मिलेंगे भी नहीं इस टाइप के। अब देखते हैं यार क्या होगा, क्योंकि बड़ा टेंशन मतलब दिमाग खराब हो गया, वीडियो नहीं शूट करी उसके बाद हमने कुछ भी, इतना अच्छा वेदर हो रखा है फिर भी माइंड डिस्टर्ब हो रखा है, एकदम मन ही नहीं कर रहा मतलब कोई चीज का। नहीं भाई, भाई इन्होंने भाई पूरी मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी, वीडियो ने आपने देख ली होगी भाई, पूरा घुस घुस के झाड़ियों के अंदर झाड़ी पकड़ पकड़ के ये कांटे वाले, पूरा मैन वर्सेस वाइल्ड बन कांटे वाले पेड़ पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़े थे, और हालत हो गई थी वहां पे जाके हमको निराशा इस बात से मिली, GPS सिग्नल वीक हो गए भाई, कभी ऊपर दिखा रहा कभी ऊपर दिखा रहा कभी नीचे दिखा रहा, कंफ्यूजन वही होगी, वरना मैं ड्रोन ढूंढ के दिखा देता भाई। हमारी हालत देख सकते हो, फेस की, बालों की, बहुत हालत खराब हो गई, हाथ धोए मैंने अभी, सर मुंह भी नहीं धोया, सर्वर साफ किया अभी भाई। देखो जैसा कि आपको पता है ड्रोन तो खो चुका है भाई, और वो ड्रोन फ्री का तो आता नहीं है, वीडियो बनाने के लिए ड्रोन खरीदना पड़ता है, किस्तों पे ये ड्रोन खरीदा था भाई, और किस्तों पे अभी मतलब किस्त चल रही होंगी अभी शायद, और भाई ड्रोन खो चुका है। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करोगे दोबारा एक ड्रोन खरीदने के लिए, आप जैसे भी कोई हेल्प करना चाहो कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कर भाई, सकते हो कर दो आपकी, मतलब आपको अच्छी क्वालिटी देने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं भाई, अगर आपकी इच्छा हो तो भाई हेल्प कर सकते हो भाई। ये वीडियो को ना यहीं पे एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ से हम सीधा घर जाएंगे, रात हो जाएगी ऑलमोस्ट, हमें 12 बज जाएंगे, अगर हम बिना रुके जाते तो हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन अब सुबह हो जाएगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई, ये बारिश भी होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।